सोलन में आज रोटरी क्लब सोलन द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को बांटे गए फल, वहीं कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाली नर्सों को किया गया सम्मानित। इस मौके पर रोटरी क्लब सोलन के प्रधान कार्तिक सूद ने बताया कि रोटरी क्लब पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा ही अग्रसर रहता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ही क्लब का मुख्य उद्देश्य है, जिसके चलते आज कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करने वाली पीड़ित मानवता की सेवा करने वाली नर्सों को रोटरी क्लब सोलन ने उपहार देकर सम्मानित किया, वहीं मरीजों को भी फल वितरित किए गए। उन्होंने कहा, हम रोटरी क्लब सोलन से हैं, आज हम हॉस्पिटल सोलन में आए हैं और यहाँ हमने आज मरीजों को कुछ फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और नर्सिस ने जो कोरोना समय में अपना योगदान दिया उसके लिए हमने इन्हें सम्मानित किया है कुछ गिफ्ट देके और चॉकलेट देके, और नर्सिस का हम धन्यवाद करते हैं और हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कोरोना समय में और अभी वैक्सीनेशन में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस तरह के कार्य करके हमें समाज की सेवा करने का मौका मिलता है और हमें लगता है कि हम अपना जो भी हमारे पास हमारे संसाधन है हम उनका अच्छे से प्रयोग करें और लोगों के लिए हम आगे सेवा कर सकें।